आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 कुल 7 चरणों में होना था, 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। छठे चरण का मतदान आज जारी है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक यह मतदान होना। इसी बीच 11 बजे तक की कुल वोटिंग परसेंटेज सामने आ गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए कुल 21.79% मतदान हुआ है। वहीं कुशीनगर में 25% मतदान हुआ है, सिद्धार्थनगर में 23% मतदान हुआ है, महाराजगंज में 21.5% मतदान हुआ है, संत कबीर नगर में 21% मतदान हुआ है, बस्ती में 27% मतदान हुआ, अम्बेडकर नगर में 23.1% मतदान हुआ है, देवरिया में 19.64% मतदान हुआ है, बलिया में 20% मतदान हुआ है, गोरखपुर में 23% मतदान हुआ है, वहीं कुशीनगर में 25% मतदान हुआ है, सिद्धार्थनगर में 23%, महाराजगंज में 21.5% मतदान हुआ है। कुल उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए 11 बजे तक 21.79% मतदान हो चुका है। सुबह 11 बजे तक की कुल हम मतदान का प्रतिशत आपको बता रहे हैं। देवरिया में 19.64% मतदान हो चुका है, बस्ती में 27.0% मतदान हो चुका है, बलिया में 19.64% मतदान हो चुका है, वहीं गोरखपुर में 23.1% मतदान हो चुका है। छठवें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में जारी है, वहीं 11 बजे तक कुल 21.79% मतदान हो चुका है। 11 बजे तक का कुल मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। 10 जिलों में मतदान जारी है, 57 सीटों पर मतदान होना है, कुल 676 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। छठे चरण का मतदान आज उत्तर प्रदेश में जारी है, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। वहीं आपको बता दें कि कुल 11 बजे तक 21.79% मतदान उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक हो चुका है, सिद्धार्थनगर में 23% मतदान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएनबी बैंक के लॉकर से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड बैंक लॉकर से हुआ चोरी, बैंक कर्मियों की साठगांठ से ज्वेलरी चोरी। करोड़ों की ज्वेलरी चोरी होने से मचा हड़कंप। गाजियाबाद के नेहरू नगर में पीएनबी का यह मामला सामने आया है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएनबी बैंक के लॉकर से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड बैंक लॉकर से हुआ चोरी, बैंक कर्मियों की साठगांठ से ज्वेलरी चोरी। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएनबी बैंक से ज्वेलरी चोरी हुई है। गाजियाबाद के नेहरू से पीएनबी ब्रांच से यह खबर सामने आई है, पीएनबी बैंक के लॉकर से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ प्रवीण हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है प्रवीण यहाँ पर? देखिए आपको बता दूं, ये कल की घटना है, जो ये चोरी की घटना है कल की घटना है, लेकिन अभी तक किसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस पे अधिकारियों ने किसी तरह से कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल तो उसका इंतजार किया जा रहा है कि अधिकारी किस तरह का जवाब देते हैं, लेकिन ये बड़ी घटना मानी जाती है गाजियाबाद के अंदर, पीएनबी बैंक के अंदर, जबकि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के होने के बावजूद या तो हो सकता है कि वहाँ पीएनबी के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा या उनके साठगांठ से ये काम किया गया हो, लेकिन भारी संख्या में वहाँ से ये जेवरात गायब हो जाने, चोरी हो जाने, ये बहुत बड़ी बात है गाजियाबाद की। जी प्रवीण, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस घटना पर, क्योंकि ये बड़ी चोरी सामने आई है? देखिए आपको बता दूं, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों के ऊपर उनको शक है या शक जताया जा रहा था। उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ये आपके होने के बावजूद, यहाँ पर सिक्योरिटी होने के बावजूद ये किस तरह की घटना यहाँ पर हुई है। जी सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है प्रवीण, इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद से भी पीएनबी बैंक के लॉकर से ज्वेलरी गायब की गई है, क्या कुछ किसी अभी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम सामने आया जिसकी साठगांठ से इस घटना को अंजाम दिया गया हो? देखिए ये बड़ा सवाल है कि पीएनबी का बैंक है, बहुत बड़ी बैंक होने के बाद, और चलो नामी बैंक होती है जहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत अत्याधुनिक तरीके से वहाँ सिक्योरिटी भी लगाई जाती है, गार्ड भी होते हैं वहाँ पर, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है बैंक कर्मियों के द्वारा। हो सकता है अगर बात की जाए नाम की यहाँ पर, तो अभी तक नाम किसी का नहीं इसमें खुलासा हो पाया है,
लेकिन हाँ पुलिस जांच कर रही है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच के बाद ही बता पाएगी कि आखिर इसमें दोषी कौन है। बैंक के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पे, क्या उनका कोई बयान अभी तक सामने आया है? अभी तक उनका कोई बयान नहीं आ पाया है। अभी तक पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, यहाँ तक कि आलाधिकारी जो है यहाँ गाजियाबाद के वो भी उनसे जांच में जुटे पड़े, बातचीत करने में कि आखिर सीसीटीवी फुटेज मेन चीज है, सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी, वो उस समय पर चालू थे या बंद कर दिए गए थे, कौन वहाँ पर गया है लॉकर के अंदर, कितने लोग वहाँ प्रवेश किया है, कितने लोग बाहर आए, इन सब चीजों पर भी जाँच की जाएगी। प्रवीण, सीसीटीवी कैमराज भी काफी एक्टिव होते हैं और बैंकों में लगे होते हैं, क्या सीसीटीवी के माध्यम से कोई चेहरा है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम या फिर कुछ सामने आ रहा है? जी आपको बता दूं, देखिए सीसीटीवी एक माध्यम ऐसा होता है क्योंकि वो तीसरी आंख होती है, अगर बैंक के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं तो उसको पुलिस जरूर खंगालेगी, उसमें देखेगी जांच में कि आखिर कौन व्यक्ति थे, वो कौन अंदर घुसे हैं जिन्होंने लॉकर से ये वारदात को अंजाम दिया है। जी प्रवीण, ये बड़ा वारदात गाजियाबाद के पीएनबी बैंक का सामने आया, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रवीण गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से पीएनबी बैंक के लॉकर से करोड़ों रुपए का गोल्ड चोरी हुआ है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान जारी है और 11 बजे तक उत्तर प्रदेश के छठे चरण का मतदान कुल 21.79% हुआ है। वहीं देवरिया की बात करें तो देवरिया में 19.64% मतदान हुआ है, सिद्धार्थनगर में 23% मतदान हुआ है, कुशीनगर में 25% मतदान हुआ है, बलिया में 19.34% मतदान हुआ है। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी क्रम में हमारे संवाददाता बस्ती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या कुछ ताजा अपडेट है अभी तक की बस्ती से? रजनीश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या कुछ ताजा अपडेट है अभी बस्ती से और क्या कुछ वहाँ के मतदान केंद्रों का जायजा है? जी, यहाँ के मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल कतारबद्ध पूर्वक सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और रही बात शासन प्रशासन की बात, तो जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं, हर जगह हर बूथ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं वो बाकायदा जो है सैनिटाइजर किए जा रहे हैं और बाकायदा जो है वो मास्क लगाए हुए हैं। और वोट परसेंटेज के अभी तक हम बात करें बस्ती की, तो सबसे ज्यादा इस समय जो है बस्ती में लगभग 25% अभी तक ओवरऑल मतदान हो चुका है। जी, बस्ती की जनता बढ़ चढ़ के मतदान केंद्रों पर जा रही है और इस महापर्व में अपना हिस्सा ले रही है। भाई, ईवीएम खराब होने की क्या कोई खबर आई है रजनीश अभी तक बस्ती से? ईवीएम की एक जगह एक बूथ पे थोड़ी समस्या हुई है, लेकिन बाद में उसके 10 से 15 मिनट के अंदर उस मामले को निस्तारण कर लिया गया है और फिर वहाँ से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहरहाल अभी तक कोई ऐसा मामला अभी नहीं आया है। और बस्ती में कई दिग्गज चुनावी मैदान में है और कौन कौन से मुद्दे बस्ती के अहम है और बस्ती की जनता किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है? रजनीश, देखिए हम बात करें अगर बस्ती की जनता की, तो बस्ती की जनता के साफ तौर पे कहना है कि हम वही सरकार बनाएंगे जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, नाली, पानी और महिला सुरक्षा की जो विशेष करके बात होती है उसकी, लेकिन कहीं कहीं और भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी सर्वोपरि मान रहे हैं कि जो सरकार जो है राष्ट्रहित के मुद्दों पर बात करेगी, हम उसी सरकार को वोट करेंगे। सबका अपना अपना अलग अलग विचार है। जी, अगर बात किया जाए बस्ती की तो थोड़ा सा पास में ही है अयोध्या के, तो अयोध्या के राम मंदिर का कितना असर पड़ रहा है बस्ती में और यह कितना बड़ा मुद्दा बस्ती में देखने को मिल पाएगा? रजनीश, देखिए हम अगर बात करें तो राम मंदिर के मुद्दों को लेकर जाहिर सी बात है एक अपने आप में हिंदुत्व का जो है सबसे बड़ा एक एजेंडा रहा है और इस राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार कई बार कई सरकारें उसी पर राजनीतिकरण हुआ है और उसी पर अपनी सरकार बनाई है। लेकिन अगर वर्तमान में हम बात करें राम मंदिर मुद्दे को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है और इसको लेकर काफी पब्लिक भी उत्साहित है कि ये कहीं ना हिंदुत्व पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है राम मंदिर। तो कहीं ना कहीं उसके नाम पर भी बीजेपी को बहुत के रूप में कुछ ना कुछ वोट मिल रहे हैं। जी रजनी से, क्या कुछ अभी तक वहाँ से कोई वोट बहिष्कार का मुद्दा तो सामने नहीं आया है बस्ती से? अभी तक बस्ती में ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया, कहीं भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में वोट बहिष्कार का मुद्दा कहीं से भी कोई सूचना ऐसी नहीं मिल रही है। रजनीश, जो जो दिग्गज चुनावी मैदान में है बस्ती से, बस्ती पे भी लोगों की खासा नजर बनी हुई है, क्या कुछ वादे और दावे उनकी बस्ती की जनता से है कि अगर बस्ती की जनता उनको चुनकर लखनऊ भेजती है, विधानसभा भेजती है, तो बस्ती की जनता के लिए क्या कुछ विकास कार्य करेंगे?
एक तो सबका वही एक तरीके से कहा जाए रटा रटाया हुआ मुद्दा है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि अगर हम हमारी सरकार बनती है, हमारे उम्मीदवार जीतते हैं, हमारी सरकार हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है हम स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे हम विशेष तौर पे काम करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वर्तमान सरकार ने काम किया है, किसानों के लिए सम्मान निधि हुआ, आवास हुआ, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हुआ, तमाम ऐसे चीज है जिसपे जो है पब्लिक को अपना रुझान व्यक्त करे। लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर बात करें जैसे अभी सरकार ने हालिया में जो है सपा सरकार ने ये ऐलान किया था अखिलेश यादव ने कि तो किसानों के लिए 300 यूनिट तक का बिजली जो हम फ्री किसानों को देंगे, तमाम ऐसी चीजें हैं और छुट्टा फसलों से मुक्ति कराएंगे, किसानों के फसलों का नुकसान नहीं होगा, ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं, सभी का अपना अपना पक्ष है। लेकिन अब किसके मुद्दों पर, किनके वादों पर और मतदाता किस तरीके से किसको वोट कर रहे हैं, खैर ये तो आज सबका भाग जो है ईवीएम में कैद हो जा रहा है, आने वाले 10 तारीख को यह क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल रजनीश, आप वहाँ के मतदान केंद्रों पर नजर बनाए रखिए, वहाँ का जायजा लेते रहिए, हम जल्दी आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि बस्ती की जनता का मूड क्या है। उसके पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक कुल 21.79% मतदान हो चुका है। बात अगर देवरिया की करें तो देवरिया में 19.64% मतदान हो चुका है, बस्ती में 27% मतदान हो चुका है, बलिया में 19.64% मतदान हो चुका है, गोरखपुर में 23% मतदान हो चुका है, बलरामपुर में 22% मतदान हो चुका है, महाराजगंज में 21.5% मतदान हो चुका है, संत कबीर नगर में 21% मतदान हो चुका है, देवरिया में 19.64% मतदान हो चुका है। यह कुल आंकड़े मतदान के 11 बजे तक है। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण के लिए 11 बजे तक कुल 21.79% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान चल रहा है, 10 जिलों की 57 विधान सीटों पर यह चुनाव होना है, वहीं 676 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपको सारे खबर बता रहे हैं और कई जगह से मतदान बहिष्कार की भी खबरें सामने आ रही है, तो कई जगह ईवीएम खराब होने की भी खबरें आ रही है। इन सभी चीजों के बीच में, इन सभी रुकावटों के बीच के साथ साथ उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। वहीं अगर बात 2017 के नतीजों की एक बार की जाए, एक बार उसका रुख किया जाए, 2017 में इन 10 जिलों के क्या कुछ नतीजे थे, तो 57 सीटों पर बीजेपी के पाले में 48 सीटें गई थी और सपा के खाते में 2 सीटें गई थी। वहीं कांग्रेस को 1 सीट गई थी, बसपा को 5 सीटें मिली थी। वहीं बात अगर अन्य की जाए तो अन्य में 1 सीटें गई थी। यह 2017 का आंकड़ा था जिसमें 57 सीटों पर 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। वहीं 10 जिलों में कई सीटें अहम बनी हुई है, हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि कई बड़े दिग्गज यहां से चुनावी मैदान में हैं। वही हाल ही में भी कुशीनगर से भी एक खबर आई थी जहां पर लोगों ने पक्का पुल न बनने को लेकर मतदान बहिष्कार भी किया था। वहीं अगर बात गोरखपुर की करें तो गोरखपुर में भी कई सीटें हॉट सीट बनी हुई है। हमारे संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। हिमांशु, 12 बज चुके हैं, क्या कुछ अभी वहां की प्रतिक्रिया है, लोग किन मुद्दों पर मतदान केंद्र जा रहे हैं और अभी तक वही मुद्दा है या फिर कुछ और भी खास मुद्दे जनता की सामने आई है? बात करें यहाँ पे जनता की राय दी जानी है तो मुद्दों पे जहाँ जहाँ हम लोग गए तो जनता का एक ही मत था कि विकास के मुद्दे पे वो वोट करेंगे। हालांकि महिलाओं से जो बात की गई तो वो सुरक्षा के मुद्दे पे ही वोट करने की बात करें। यहाँ पे हम आपको बता दें जनता भी है कि इस बार क्या राशन चलेगा या फिर सपा की तरह जो पेंशन, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस बार राशन ही चलेगा क्योंकि जनता की मूल समस्या जो होती है वो राशन की होती है। जी हिमांशु, अपने महिलाओं की बात करी, विकास अपना एक मुद्दा है महिलाओं का, विकास के साथ साथ गोरखपुर की महिलाएं और कुछ क्या अपने लिए व्यवस्थाएं सुविधाएं चाहती हैं? इलेक्ट्रिक बसों की भी बात हुई है, तो कैसी क्या कुछ और व्यवस्थाएं गोरखपुर की जनता चाहती है जिससे गोरखपुर के ग्रामीण और शहरी इलाकों की कनेक्टिविटी भी अच्छी हो? देखिए यहाँ पे महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ जो हम लोग को जाने आने के लिए कहीं जो दिक्कतें होती थी उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसों का इंतजाम हुआ है, रोडों का चौड़ीकरण हुआ है जिससे, और हम आज की डेट में रात में भी निकल सकते हैं बिना किसी भय के निकल जाते हैं। लेकिन हाँ उन्होंने ये भी कहा कि हाँ महंगाई है, महंगाई सरकार की कंट्रोल करना चाहिए।
हिमांशु, 9 विधानसभा सीटों पर गोरखपुर में चुनाव हो रहा है, वहीं अगर बात फतेह बहादुर सिंह की जाए तो फतेह बहादुर सिंह के आसपास के जो एरियाज है उसमें बाढ़ एक बेहद ही अहम मुद्दा है। अगर बात जंगल कौड़िया की जाए, ग्राम करहिया वहीं से सटा हुआ है, उधर बाढ़ एक अहम मुद्दा होता है, नदी होके जाती है और जब बाढ़ आते तो कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि एक नदी उनको पार करके बाजार जो वहां का मानीराम है वहां उनको जाना पड़ता है। तो इसको लेकर के क्या कुछ 5 सालों में विकास हुआ है और इसको लेकर जनता क्या कुछ कहना चाहती है कि उनको कैसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाए कि वो आसानी हो, उनका उनके जो जीवन में आसानी आए और वो बाढ़ के दौरान भी उन सब चीजों का सामना कर पाए। देखिए, अगर कैंपियरगंज विधानसभा की बात किया जाए तो कैंपियरगंज विधानसभा से फतेह बहादुर सिंह है, जिनके पिता विजय जो है यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके टक्कर में साजन विकास है जो की सपा से है, लेकिन विजय बहादुर विधायक है भी, फतेह बहादुर विधायक है भी और फतेह बहादुर सिंह, ऐसे में फतेह बहादुर ऐसे में देखा जाए तो वहाँ पे रोडों का सुदृढ़ीकरण किया गया है, चौड़ीकरण किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेतक वगैरह करके रोड बनाया गया है, तो गांव की समस्या के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जैसे हाईवे पे जाम लग जाता था, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से इसको चौड़ीकरण कर दिया गया है और बाढ़ की जो समस्या है मुझे वो किसी तराई रेट है, ऐसे में वहाँ पे बाढ़ की समस्या अक्सर होती रहती है, तो उनके लिए बांधों का बांध बनाने का पूरी तरह से कार्य किया गया है जिससे बाढ़ की समस्या से निजात मिल सके। जी, काजल निषाद, कितना कुछ जनता के बीच में अहम होती नजर आ रही है, फतेह बहादुर का अब तक एक अलग पैठ है कंपियरगंज विधानसभा में, लेकिन काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने वहां प्रत्याशी के रूप में उतारा है और काजल निषाद काफी एक्टिव भी दिख रही थी, तो काजल निषाद क्या कुछ पैठ बना पाएगी और वहां की जनता का क्या कुछ कहना है, क्या जनता अपने पुराने प्रत्याशी को उम्मीद देगी या फिर कुछ नए विकास की उम्मीद में नजर आ रही है कंपियरगंज विधानसभा की जनता? देखिए, वहाँ मिला जुला असल है, असल में काजल निषाद जो है पिछले 5 सालों में जनता के बीच में गई है और वोट की अपील किया है, इस बार भी जाकर के वोट की अपील किया है, काफी काम किया है और फतेह बहादुर सिंह वहाँ के विधायक हैं और इस बार वो प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में टक्कर वहाँ पे कांटे की है और इसका नतीजा तो आगामी 10 तारीख को ही पता चलेगा जब किसी को वहाँ की जी। अगर बात किया जाए ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की, तो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की क्या हालात है, वहां की जनता किन मुद्दों पर जा रही है, क्योंकि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी बाढ़ भी एक अहम मुद्दा है, विकास एक अहम मुद्दा है, हालांकि गोरखपुर का विकास काफी हुआ है लेकिन बाढ़ गोरखपुर की ग्रामीण और कैंपियरगंज की जनता के लिए एक अहम मुद्दा है, क्योंकि आपने बताया तराई क्षेत्र है और बाढ़ में देखने को मिलता है कि जनता काफी मशक्कत करती नजर आती है, तो ग्रामीण की जनता के क्या कुछ उम्मीद है और विजय बहादुर यादव जो यहां से अब प्रत्याशी हैं, 5 साल वो चुनाव नहीं लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, अब उन्होंने समाजवादी का दामन थाम लिया, तो ऐसे में वहां का क्या कुछ जाया जाए, वहां के मतदान केंद्रों पर जनता किन मुद्दों के साथ पहुंच रही है? देखिए, विजय बहादुर यादव भाजपा में पहले थे, उसके बाद सपा में आ गए और इस बार वो ग्रामीण क्षेत्र से प्रत्याशी है, जहाँ से नितिन सिंह भाजपा के विधायक हैं और इस बार प्रत्याशी भी है, ऐसे में वहाँ पे लड़ाई टक्कर की, क्योंकि विजय बहादुर यादव अक्सर ही जनता के बीच में जाते रहे हैं किसी के बीमार होने से, और कोविड में भी उन्होंने काफी मदद की है जनता की, तो ऐसे में मतदाता वहाँ पे दोनों ही तरफ, और दूसरी चीज ये है कि रुझान दोनों तरफ है और दूसरी चीज ये है कि वहाँ जातिगत बहुत समीकरण है जिसमें निषाद है, यादव वोट है, ऐसे में सपा को यहाँ पे कुछ लाभ होता दिख रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, आप अपनी नजर बनाए रखें वहां के मतदान केंद्रों पे, हम जल्द ही आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे संवाददाता हिमांशु गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े थे। गोरखपुर में कुल 9 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, जहां अगर बात शहर विधानसभा की करें, सदर की करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां चुनावी मैदान में, फतेह बहादुर सिंह कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 5 साल छोड़ चुके विजय बहादुर यादव समाजवादी या दामन थाम चुके हैं, वो भी चुनावी मैदान में, काजल निषाद भी कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है, कई दिग्गज चुनावी मैदान में है, तो गोरखपुर सीट कई मामलों में अहम मुद्दा है, गोरखपुर का विकास काफी हुआ है, लेकिन वही अगर बात ग्रामीण एरियों की जाए तो वहां पर बाढ़ एक अहम मुद्दा रहा है, हमेशा से ग्रामीण की जनता कैंपियरगंज की जनता बाढ़ का सामना करती रही है, इसको देखते हुए अब यह देखना होगा कि किसको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, किसको अगले 5 साल तक अपने
के विकास का जिम्मा जनता देगी। यह तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना प्रतिनिधि चुना है। हालांकि छठे चरण का चुनाव लगातार जारी है। आपको बता दें 11 बजे तक कुल 21.79% मतदान हो चुका है। सुधारनगर में 23% मतदान हो चुका है। बलरामपुर में 22%, महाराजगंज में 21.5% मतदान हो चुका है। संत कबीर नगर में 21% मतदान हो चुका है। देवरिया में 19.64% मतदान हो चुका है। बस्ती में 27% मतदान हो चुका है। बलिया में 19.64% मतदान हो चुका है। गोरखपुर में 23% मतदान हो चुका है। 11 बजे तक यह कुल आंकड़े हैं। 11 बजे तक छठवें चरण में कुल 21.79% मतदान हो चुका है। कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, कई सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं। लगातार कई जगह ईवीएम भी खराब होने की खबरें आ रही है, लेकिन लगातार प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण और प्रतिबद्ध तरीके से मतदान कराया जा रहा है। मतदान के इस महापर्व में जनता भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और सभी बड़े दिग्गजों के साथ लगातार अपील ट्वीट के माध्यम से और कई अन्य माध्यम से लोगों के लिए आ रही है कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान के इस महापर्व में हिस्सा ले, अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। और प्राइम टीवी की भी आपसे खास अपील, अगर आपके जिले में भी मतदान हो रहा है तो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। को बता दें कि 2017 के नतीजे इन 10 जिलों के क्या थे, 57 विधानसभा सीटों पर क्या थे, तो अगर बात 2017 की करें तो 2017 में बीजेपी के खाते में 48 सीटें गई थी। 48 सीटें 27 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी और बसपा को 5 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 और अन्य 1। और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और चुनाव की सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता देवरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अभी तक का जायजा है वहां पर और किस तरह से मतदान हो रहा है, प्रशासन कितनी प्रतिबद्ध है शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए? 11 बजे तक 20% यहाँ पोलिंग हो चुकी है और लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं और यहाँ प्रशासन द्वारा काफी सक्रियता बरती जा रही है और जो कर्मचारी हैं मास्क और सैनिटाइजर का भी वहाँ उपयोग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ अभी कोई ईवीएम खराब होने की खबरें तो सामने नहीं आई है रवि? जैसा कि मैम, अभी तक कोई ईवीएम खराब होने की खबर नहीं आई है। जैसे कि कोई खबर आती है मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। क्या कहीं से वोट बहिष्कार भी किया गया है, ऐसी कोई खबर सामने आई है जनता की कोई नई मांग? अभी तक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है, सभी लोग मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, लोग विकास के मुद्दे पे काफी उत्साहित हैं और युवाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और किसी प्रकार की अभी कोई दिक्कतें नहीं है। बिल्कुल रवि, जैसा कि देवरिया में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, चीनी मिलें 10 सालों से वहां पर बंद पड़ी हुई हैं, तो उसको लेकर के एक तरह से जनता दिमाग में रख के मतदान कर रही होगी कि वो उसी सरकार को सत्ता में लाना चाहेगी जो चीनी मिलों को वहां पर बनाए, क्योंकि अगर चीनी मिल वापस से खुलते हैं, रिस्टार्ट होते हैं, तो वहां की जनता को, वहां के युवाओं को भारी मात्रा में रोजगार मिलेगा। इस बीच और क्या कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं जनता और खासकर महिलाएं देवरिया की, क्या कुछ मुद्दा अपने दिमाग में लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं? जी जी, आपको बता दें कि देवरिया को चीनी का कटोरा माना जाता है और देवरिया में चीनी मिल काफी विगत वर्षों से बंद है और आपको बता दें कि यहाँ युवाएं, महिलाएं सभी मतदान देने के लिए उत्साहित हैं और विकास के मुद्दे पे लोग यहाँ मतदान देते हुए नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं कि मैं विकास के मुद्दे पे वोट कर रहा हूँ और आपको बता दें कि यहाँ पतरदेवा विधानसभा सबसे प्रमुख केंद्र माना जा रहा है, जहाँ तीन तीन केंद्र मंत्री चुनावी अखाड़े में खड़े हैं। शिव प्रताप शाही जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, वर्मा शंकर त्रिपाठी जो सपा के प्रत्याशी हैं वो भी मंत्री रह चुके हैं और जो साकिर अली, स्वर्गीय साकिर अली हैं वो भी मंत्री रह चुके हैं, उनके पुत्र परवेज आलम भी मैदानी अखाड़े में खड़े हैं। तो इन तीन दिग्गज के बीच पथरदेवा विधानसभा से कड़ी टक्कर नजर आ रही है। रवि, जनता इसके पहले भी जानती है मुद्दे क्या है, किसको जिताना है, लेकिन सबके बीच कितनी पैठ किस पार्टी की रही है, क्योंकि सभी पार्टी के दिग्गज लगातार देवरिया में जनसभाएं किए हैं, तो कितना किसके दावे और वादों पर जनता विश्वास करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक मतदान केंद्रों पर भारी मात्रा में जनता पहुंच रही है। जैसा कि आपको बता दें कि देवरी पथरदेवा विधानसभा से कृषि मंत्री जो भाजपा के टिकट के उम्मीदवार हैं और ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जो सपा के उम्मीदवार हैं और परवेज आलम, इस त्रिकोणी लड़ाई है और जनता विकास के मुद्दे पे वोट देने की बात कर रही है। जनता लगातार कितने काम किए गए हैं उनपे खरा उतरने का कार्य कर रही है और देख रही है और इस बार जनता विकास को लेकर काफी उत्तेजित है।
जी बात अगर शलभमणि त्रिपाठी की जाए रवि, तो शलभमणि त्रिपाठी एक बाहरी वहां पर प्रत्याशी है, वो बाहर से आकर वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जनता क्या कुछ विश्वास दिखा पाएगी शलभमणि त्रिपाठी पर? रवि, जैसा लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि बाहरी हैं, जैसा शलभमणि बता रहे हैं कि मैं देवरिया का ही निवासी हूँ और देवरिया से चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता का मुझे पूरा प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, जनता मुझे बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रही है। जी मतलब जनता शलभमणि त्रिपाठी पर भरोसा दिखा रही है? हाँ बिल्कुल, शलभमणि का मानना है कि जनता मुझ पर पूरा भरोसा दिखा रही है, अगर जनता मुझे प्यार और आशीर्वाद देती है तो यहाँ मैं विकास का गंगा बहा दूंगा। रवि, शलभमणि त्रिपाठी एक अच्छे पोस्ट पर है भारतीय जनता पार्टी में, और वो पत्रकार भी रहे हैं, वो लोगों की परेशानियों से अच्छे से वाकिफ है, उनको पता है कि जनता की परेशानी क्या है, क्योंकि वो एक पत्रकार भी है, ऐसे में वो जनता के बीच भी रहे हैं, तो जनता क्या कुछ उम्मीद रखती है? एक तो भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे पोस्ट पर है, सूचना सलाहकार है, पत्रकार भी रहे हैं, तो ऐसे में जनता की क्या उम्मीदें हैं शलभमणि त्रिपाठी से कि किस तरह का वो विकास करेंगे देवरिया की जनता का? बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार रह चुके हैं शलभमणि त्रिपाठी, और यहाँ विकास के मुद्दे पे लोग वोट कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं कि बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर काफी चरम पर है, और इसलिए इस बार हम उसी व्यक्ति को वोट करेंगे जो हमारा काम करेगा, मेरे शहर का विकास करेगा। जी बिल्कुल, कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात की जाए ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी की, रवि, तो ये सपा से है और ये मंत्री भी रहे हैं सपा सरकार में, इनकी क्या कुछ पैठ देखी जा रही है रवि देवरिया के पथरदेवा विधानसभा में? जैसा कि पथरदेवा विधानसभा से सपा प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी अभी काफी दिनों से लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहे थे, भारी जनसैलाब के साथ वो चल रहे थे और लगातार रैलियां भी निकाल रहे थे, और कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री सुप्रताप शाही भी जनसंपर्क लोगों के बीच बनाए हुए थे और उनकी भी काफिला काफी बढ़ चढ़ के चल रही थी। मतलब यानी कह सकते हैं कि दोनों की काफिले में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा बहुत मतलब घमासान दिखाई दे रहा था। जब अगर बात 2017 की पहले की करें तो यहाँ पे मंत्री जो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी वो पहले से उनका बैठ रहा है, तो क्या कुछ विकास कार्य इन्होंने अपनी सरकार में किया है? जब ये सरकार थे, जब वहां से थे विधायक, मंत्री थे, तो क्या कुछ विकास इन्होंने किया है और क्या जनता उन विकास को याद रखी है अभी तक, क्योंकि इनकी सरकार नहीं है 2017 से? जैसा कि आपको बता दें कि 2017 में यहाँ देवरिया से 6 सीट में भाजपा निकाला था, 1 सीट सपा से, जो भाजपा रानी से आशुतोष उपाध्याय है वो निकाले थे, और रह गई ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, यहाँ से चुनाव लड़े थे जो चुनाव में हार गए थे, देवरिया सदर से सपा प्रत्याशी थे। जी उसके पहले की बात अगर की जाए जब ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी मंत्री थे, तो उन्होंने क्या कुछ विकास किया था और जनता उस विकास कार्य को इस बार चुनाव में क्या दिमाग में रखी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जब मंत्री थे तो विकास की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं नाखुश दिख रही थी, जिस वजह से वो चुनाव हारे थे, और इस बार विकास की लगातार बात कर रहे हैं ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, लोगों के बीच जा जा कर कह रहे हैं कि मुझे एक बार मौका दिया जाए, मैं विकास की गंगा बहा दूंगा। मतलब वो नए वादे और नए दावों के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में जनता के समक्ष खड़े हैं। अगर बात वही सूर्य प्रताप शाही की करें तो सूर्य प्रताप शाही भी एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में है। रवि बिल्कुल, आप वहां की विधानसभाओं पर नजर बनाए रखें, मतदान केंद्रों पर नजर बनाए रखें कि जनता का मुद्दा क्या है, जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है, हम जल्द ही आपके पास लौटेंगे। हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए थे देवरिया से। रवि ने बताया कि वहां की जनता का क्या कुछ इरादा है, जनता क्या विकास कार्य चाहती है, और सबसे बड़ी बात शलभमणि त्रिपाठी जो खुद सूचना सलाहकार रहे, पत्रकार भी रहे हैं, वो अच्छे से अवगत है, अच्छे से जानते हैं जनता की परेशानियां, और देवरिया में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, और चीनी मिलें जो 10 सालों से बंद पड़ी हुई है, अब देखना यह होगा कि क्या देवरिया की जनता इस बार अपने मत जिसको भी मौका देती है अपने विकास का वो उनका विकास करता है, क्या ये चीनी मिले दोबारा से खुलवाई जाती है और रोजगार का मौका वहां के लोगों को मिलेगा, या फिर देखना ये होगा कि कौन विकास कार्य कितना करता है। वही 11 बजे तक कुल वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुकी है उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए, 11 बजे तक कुल 21.79% मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुका है, कुशीनगर में 25% मतदान हो चुका है, सिद्धार्थनगर में 23.0% मतदान हो चुका है, महाराजगंज में 21.5% मतदान हो चुका है, संत कबीर नगर में 21% मतदान हो चुका है, बस्ती में 27% मतदान हो चुका है,
अंबेडकर नगर में 23.1% मतदान हो चुका है, देवरिया में 19.64% मतदान हो चुका है, बलिया में 20% मतदान हो चुका है। बलिया भी हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि दया शंकर सिंह खुद वहां से चुनावी मैदान में हैं। दया शंकर सिंह को टिकट मिलने से पहले ही कई बातें सामने आई थी। वही हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, हमने आपको 11 बजे तक वोटिंग प्रतिशत भी बताया। आइए आपको दिखाते हैं अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है, वहां के मतदाताओं का, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आम जनता को एक कोई परिवार, कोई घर, कोई व्यक्ति छूटा नहीं जिसको कोई कुछ न कुछ लाभ मिला ना हो। इसके नाते सारे लोग लामबंद हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कटहरी विधानसभा परिवर्तन मांग रही है, यहाँ पे अपराधियों का गढ़ है, सारे अपराधी प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी प्रत्याशी को छोड़ के और दोनों प्रत्याशी अपराधी हैं, उनका परिवार अपराधी है, सबके परिवार में घर में सबके नाम 302 के मुकदमे लिखे हैं, 307 के मुकदमे लिखे हैं, लूट हत्या डकैती बलात्कार के मुकदमे लिखे हैं, और केवल भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के प्रत्याशी के पास पूरे 5 पीढ़ियों में कोई मुकदमा नहीं है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ अपराध मुक्त सरकार बनाने की कोशिश आज कटहरी की जनता कर रही है और लगी है। इस विधानसभा में कितने सीट आए इस बार आप निकाल लेंगे? इस विधानसभा उत्तर प्रदेश में 300 के पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आम जनता को एक कोई परिवार, कोई घर, कोई व्यक्ति छूटा नहीं जिसको कोई कुछ न कुछ लाभ मिला न हो। हमारे साथ सुनायक वर्मा जी हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे आखिर किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे। आज देश को आवश्यकता है, प्रदेश को आवश्यकता है कि देश सुरक्षित हाथों में रहे और प्रदेश में अमन चैन कामन हो, प्रदेश का विकास हो, इसी मुद्दे पर हम वोट डाले। महंगाई के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई तो दिन प्रतिदिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और देश विकास करेगा तो निश्चित तौर से महंगाई तो बढ़ेगी, चाहे जिसका शासन हो। इस बार प्रदेश में लगभग कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300+ सीटें भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता की बातचीत सुनी, क्या कुछ उन्होंने कहा। छठे चरण का चुनाव लगातार सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक कुल 21.79% मतदान हो चुका है, वहीं बलरामपुर में 22% मतदान हो चुका है, सिद्धार्थनगर में 23% मतदान हो चुका है, महाराजगंज में 21.5% मतदान हो चुका है, संत कबीर नगर में 21% मतदान हो चुका है, बस्ती में 27% मतदान हो चुका है, अम्बेडकर नगर में 23.1% मतदान हो चुका है, देवरिया में 19.64% मतदान हो चुका है, बलिया में 20% मतदान हो चुका है, गोरखपुर में 23% मतदान हो चुका है। वहीं बलिया भी काफी हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि शंकर सिंह खुद वहां से चुनावी मैदान में है, वहीं नारद राय भी वहां से चुनावी मैदान में है और कई ऐसी चुनौतियां भी दयाशंकर सिंह को झेलनी पड़ी थी टिकट के लिए। लगातार जिस तरह से उनकी पत्नी स्वाति सिंह को लेकर कई मुद्दे सामने आए थे तो कई ऐसी बातें सामने आई। और इसी बीच की बड़ी खबर बलरामपुर से सामने आ रही है। को बता दें कि बलरामपुर से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है, बूथ संख्या 357 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ है। बड़ी खबर बलरामपुर से सामने आ रही है, चुनाव से जुड़ी हुई प्रशासन ने तुरंत सही कराई ईवीएम मशीन, काफी मुस्तैद है प्रशासन, वहां पर खराब होते ही प्रशासन द्वारा ईवीएम मशीन सही कराया गया। बलरामपुर के बूथ संख्या 357 की ईवीएम खराब हुई थी, ईवीएम की खराबी से बाधित हुआ था मतदान, वही प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन ने तुरंत ईवीएम सही कराया। बैरिया सुरजनपुर का यह मामला सामने आया है जहां पर मतदान में थोड़ी बाधा आई थी, ईवीएम खराब हुआ था। बलरामपुर के 357 बूथ संख्या की यह खबर सामने आई है जहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान बाधित हुआ था, प्रशासन ने तुरंत मशीन सही करा दिया है। बैरिया सुरजनपुर का यह मामला सामने आया है जहां से ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही थी, 357 बूथ संख्या की ईवीएम खराब हुई थी।
बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईवीएम खराब हुई थी लेकिन प्रशासन द्वारा ईवीएम सही कराया गया है। बैरिया सुरजनपुर का यह मामला सामने आया है, जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई थी। बलरामपुर के बूथ संख्या 357 पर ईवीएम खराब हुई थी। ईवीएम खराब होने से मतदान भी बाधित हुआ था। प्रशासन ने तुरंत ईवीएम मशीन सही कराई। बौरिया सुरजनपुर का यह मामला सामने आया है। बलरामपुर के बूथ संख्या 357 की ईवीएम खराब हुई थी, जिससे मतदान बाधित हुआ था, लेकिन प्रशासन भी उस वहीं पर। इस खबर पर अधिक जानकारी लेकर संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ खबर सामने आई है ईवीएम मशीन के खराब होने को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह पूरा मामला यह है 357 का है, जहां ईवीएम मशीन में खराबी आ गई थी, तो वहीं सूचना तत्काल अधिकारियों को दी गई, जहां ईवीएम की खराबी से कुछ देर मतदान बाधित रहा, वहीं कुछ देर बाद ईवीएम को चेंज कर दिया गया और फिर पुनः मतदान होने लगा है वहां पर। जी, मतदाताओं को क्या कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था अमित? हाँ, करीब 15-20 मिनट से लेकर एक आधे घंटे तक उनको परेशानी हुई थी, लाइन में खड़ा होना पड़ा था, तो कुछ लोग जो घर के वापस भी जाने लगे थे, लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि नहीं, मशीन आ रही है, तुरंत सही हो जा रहा है, तो 10 से 15 मिनट में सही हो गया और उसके बाद में फिर मतदान होने लगा। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ और तैयारियां हैं और बलरामपुर से क्या कहीं और से भी ईवीएम खराब होने की खबर तो सामने नहीं आ रही है अमित? नहीं, अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। और क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से, क्योंकि एक बार ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ गई है और आपने बताया कि लोगों को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा कतारों में खड़ा होके, तो किस तरह से अब जनता प्रतिबद्ध है मतदान के लिए? जनता तो लगातार सुबह से ही प्रतिबद्ध है, लाइन में लगी हुई है, जनता अपना मतदान कर रही है और उत्साह भी है, वो उनको खुशी है कि 5 साल में बारह में मौका मिला है अपना विधायक और अपना सरकार चुनने को, इसलिए वो लाइन में खड़ी होकर जनता कह रही है नहीं ईवीएम अगर खराब भी होता तो इंतजार करेंगे और वोट डालेंगे। जी, इस खबर पर आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बलरामपुर से जुड़े थे, उन्होंने बताया कि मशीन खराब हुई थी, जिसके बाद तुरंत प्रशासन द्वारा मशीन को सही कराया गया और प्रतिबद्ध तरीके से वहां पर मतदान अब जारी है। वही आपको कुल प्रतिशत बता दें, 11 बजे तक छठे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में जारी है। कुल 21.79% मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुका है। देवरिया में 19.64% मतदान हो चुका है। सिद्धार्थनगर में 23% मतदान हो चुका है। कुशीनगर में 25% मतदान हो चुका है। बलिया में 19.64% मतदान हो चुका है। अम्बेडकर नगर में 23.1% मतदान हो चुका है। चुका है 21.79% छठे चरण में 11 बजे तक मतदान हो चुका है। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान छठे चरण में जारी है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और कई बड़े दिग्गजों की भी चुनावी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। कई जिलों में चुनावी मैदान में ईवीएम मशीनें भी खराब होने की खबर आ रही है। आपको बता दें, छठे चरण का चुनाव 57 सीटों की 10 जिलों में होने, 676 उम्मीदवार कुल चुनावी मैदान में हैं। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया में आज मतदान हो रहा है। पूर्वांचल अवध क्षेत्रों में यह मतदान हो रहा है। वहीं इसी बीच की बड़ी खबर बलिया से सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से सामने आ रही है। बलिया में भी मतदान जारी है। चुनाव के दौरान दो गुटों में हुई झड़प, बलिया से बड़ी खबर मतदान के दौरान की सामने आई है। मतदान केंद्र पर जमकर हुआ हंगामा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हंगामे का वीडियो। वायरल वीडियो पेरुआ बारी ब्लॉक से सामने आई है।
आपने देखा और सुना कि किस तरह से दो गुटों में मतदान केंद्र पर ही झड़प हो गई है और इस हिंसक झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहा है। बलिया में भी मतदान चल रहा है और मतदान के दौरान दो गुटों में झड़प हुई है, मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ है। बलिया से यह वीडियो सामने आया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिस तरह से दो गुटों में झड़प हुई है। वायरल वीडियो बेरुबारी ब्लॉक के असेगा बूथ का सामने आया है, जहां पर दो गुटों में झड़प हुई है। बड़ी खबर बलिया से सामने आई है, जहां पर मतदान के दौरान ही दो गुटों में हिंसक झड़प हुई और झड़प की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। बलिया में भी मतदान जारी है। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।